एक जैसे सवाल पूछो। सपना जी, सबसे पहले तो आज का जो फोटोशूट है उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस बारे में फोटोशूट हो रहा है और कौन सा नया प्रोजेक्ट के साथ आप सबके सामने आने वाले हैं? ये खाली फोटोशूट है और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पहला फोटोशूट है, तो जब हो जाएगा तो तब मैं बता सकती हूँ। तो क्या नर्वस है आप फोटोशूट के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया पहला फोटोशूट है, अभी तक तो स्टेज पर ही देखा है लोगों ने आपको, लेकिन इस बार ग्लैमरस लुक में आप दिखाई देने वाली है, तो कितने नर्वस और एक्साइटेड हैं? मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस नहीं हूँ, नर्वस क्यों होना। तो इसके अलावा बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट आए, तो अभी कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको मतलब आपका ड्रीम हो ऐसा कोई प्रोजेक्ट करने का? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं है कि जिसका ड्रीम हो, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, सलमान खान की रेस 3 आने वाली है, तो फिल्म का ट्रेलर देखा आपने और क्या कहना चाहेंगे? मैंने फिल्म का ट्रेलर सच में नहीं देखा मैंने नहीं देखा, पर मुझे पता है कि जहाँ खान साहब हो वो चीज़ तो देखिए चलनी चलनी है, वो तुम पता नहीं कहाँ से उतर के आए, तो कुछ कहना ही नहीं बनता, ये सवाल तो बनता ही नहीं है। तो कितने एक्साइटेड हैं फिल्म देखने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पहला शो देख के आने वाली हूँ। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि नए नए और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 2 आइटम नंबर आए, लोगों ने आपको बहुत सराहा आइटम नंबर्स में, लेकिन फुल फ्लेज्ड रोल ऐसा कोई ड्रीम रोल हो अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, शेयर नहीं कर सकती बहुत जल्दी, मतलब हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिल्म का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम 15 दिन के अंदर फिल्म का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके सपना जी, कहीं ये भी इस बात की वजह से, कहीं ये बात वजह तो नहीं है कि आप बहुत चूजी हैं, बहुत सोच समझ के फिल्में या प्रोजेक्ट हो या एल्बम हो, इसलिए वक्त लग रहा है चीजों में? हाँ, ये हो सकता है। क्या देखती हैं यू नो, कब जब भी कोई प्रोड्यूसर या मेकर आपके पास आता है किसी फिल्म को लेकर या किसी एल्बम को लेकर, किन किन बातों का ध्यान रखती है कि मुझे इसका हिस्सा बनना है या नहीं? बस अपने दिल का, कहा तो कर दिया, नहीं कहा तो भाड़ में जाओ। घाटा हाँ बहुत होता है, पर फिर उसका अफसोस नहीं होता, क्योंकि दिल से की हुई चीज़ का क्या अफसोस करना, जब फैसला अपना हो तो दूसरे पे नहीं थोपा जा सकता ना, किसी के कहने से किया हो तो अफसोस होगा। बस वो चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत टैलेंट है, अगर आप घूम फिर के देखोगे तो बहुत लोगों को चांसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे मिला है, पता नहीं क्यों मिला है ये भी नहीं पता, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ अनोखा करूँ, जब मुझे कुछ अलग और कुछ अनोखा ऐसी चीज़ दिखेगी कि ये बहुत दिल के करीब है और मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। किसी एक्ट्रेस से आप इंस्पायर हूँ बहुत, कि आपको लगता है ये इसका सिनेमा मैंने बहुत देखा है, इसका द वे ऑफ शी एक्ट, आई एम ह्यूज फैन ऑफ संजय दत्त, बस और किसी के नहीं। ओके, हैव यू सीन द टीजर ऑफ सनी? हाँ, उसका देखा बहुत मजा आया, और मुझे पता है कि उनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने भी, और पब्लिक ने उनको बेसिकली बहुत प्यार दिया है, तो जो पर लेकिन जो रणबीर कपूर ने किया है वो कोई नहीं कर सकता, मतलब उनका लग ही नहीं रहा कि वो रणबीर कपूर है, वो सच में देखने में ऐसे लग रहे हैं कि संजय दत्त हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं उसके लिए इतनी इतनी पागल हूँ, मैं 3-4 दिन लगातार देख सकती हूँ मूवी थिएटर में बैठ के, हर शो देख सकती हूँ। कितनी इंस्पायरिंग लगी उसकी स्टोरी आपको, संजय दत्त की निजी जिंदगी की मैं बात करूँ, बहुत उतार चढ़ाव हैं सब जानते हैं, बिल्कुल पूरी संघर्ष भरी जिंदगी है, और सिनेमा का बहुत हाथ रहा है। हाँ, उनकी इमेज को भी बदलने को। हाँ, मैं आपको राजकुमार हिरानी की मुन्ना है MBBS की याद दिलाना। हाँ हाँ, बहुत उस जिस दौरान सब कुछ चल रहा था। हाँ, हालांकि चल तो पूरी जिंदगी रहा था, लेकिन उन फिल्मों ने भी बड़ा सहयोग दिया है। बिल्कुल दिया है। क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि फिल्में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पॉजिटिव नेगेटिव निगाह में लोगों की पहुंचाती है? हाँ बिल्कुल, होता है पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़, मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ होती है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ले जाने की कोशिश करती है, हाथ आपका होता है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। अरे ये बताने की जरूरत है, बहुत फर्क पड़ा है, आप खुद नहीं देख सकते। क्या आप, अगर आपको मौका दिया था संजू का हिस्सा बनने का, उस फिल्म का हिस्सा बनने का, तो हाँ, क्या रोल निभाना चाहता? मैं उनकी बीवी का रोल करती।
सपना जी, इसके अलावा बिग बॉस 12 भी आने वाला है, तो हाँ कपल थीम है इस बार, कितना एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे इस बार के बिग बॉस? मैं कहना चाहूँगी जिसको मौका मिले पक्का जाना, वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वो लाइफ चेंज कर देता है आपकी, तो जिसको मौका मिले पक्का पक्का जाना, मत छोड़ना बिल्कुल भी। लेकिन आपने पहले कहा था कि अगर बिग बॉस ने आपको बुलाया तो आप नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, और लोगों को तो जाने दो, मुझे नहीं जाना, उनको जाने दो, मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे। पक्का जाना बिग बॉस, पूरे जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे चले गए फोटो कल एयरपोर्ट वाली आई ना, हाँ आना चालू हो गया। कहाँ है रितेश? मैं कल दिन